ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने पार्षदों को संभालते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल 1 अगस्त को भाजपा के 34 पार्षद हरियाणा चले गए थे, वहीं अब कांग्रेस के 29 पार्षद ग्वालियर से रवाना हो गए हैं। दोनों ही पार्टियों को पार्षदों की बगावत का डर सता रहा है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों को शहर से बाहर रखा है। आपको बता दें कि सभापति चुनाव को लेकर 5 अगस्त को वोटिंग होनी है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर की जनता ने जिस प्रकार मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी अंतरात्मा की आवाज़ से जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो वो है उस फ्रेंड, उसी पर खड़े उतरे। धार्मिक यात्रा पे ये लोग सब निकल रहे हैं और हम समझते हैं कि सभापति के चुनाव में हमें बहुमत प्राप्त होगा। धार्मिक पर्यटन पे ये सब लोग हमारे पार्षद जा रहे हैं, सबकी एकमत होकर राय थे तो जा रहे हैं।